दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों सामने जो मोबाइल आप देख रहे हैं वीवो वी सेवन प्लस, ये मॉडल है वीवो वी सेवन प्लस और इस मोबाइल के अंदर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल के अंदर में जो FRP लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों इस मोबाइल का FRP लॉक आज हम रीसेट करेंगे मेडिकल बॉक्स से और आप वीडियो के साथ बने रहें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरह से आप जो है मेडिकल बॉक्स से इस मोबाइल का जो है FRP रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल के अंदर में जो गूगल अकाउंट जो है मांगा जा रहा है, ठीक है, और इस मोबाइल के अंदर में FRP लॉक लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अच्छी तरह से इस मॉडल को आप देख लें, यहाँ पे यह है वीवो वी सेवन प्लस। तो चलिए दोस्तों इस मोबाइल का FRP रीसेट करने के लिए हम चलते हैं अपने मेडिकल बॉक्स में और मेडिकल टूल को हमें ओपन करना होगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर पे कि किस तरह से हम इस मोबाइल का FRP रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने जो है मैंने जो है अपने कंप्यूटर में जो है मेडिकल टूल को ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे क्वालकॉम टूल आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस मेजर को ओपन कर लेना है। डिवाइस मेजर ओपन इसलिए करते हैं ताकि हम जब मोबाइल को आइडियल मोड में कनेक्ट करें तो हमको यहाँ पे दिखाई दे कि मेरा मोबाइल जो है कनेक्ट हुआ कंप्यूटर से या नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिवाइस मैनेजर को ओपन करके रखा है। उसके बाद मोबाइल को बूट कराने के लिए मोबाइल को ऑफ करना है और उसका वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों को कंटिन्यू सेम टाइम प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद डाटा केबल आपको लगाना है और जैसे आप डाटा केबल लगाएंगे क्यूडी लोडर 9008 पोर्ट यहाँ पे बना देगा डिवाइस में। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्यूडी लोडर 9008 पोर्ट जो है यहाँ पे बना चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करके जो है पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रिमूव, ठीक है, अकाउंट लॉक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ब्रांड सेलेक्ट करना होगा, वीवो कंपनी का मोबाइल है तो यहाँ पे आपको वीवो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मॉडल नंबर आप देख रहे हैं वीवो V7 है, वीवो V7 प्लस है, तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बदले में आपको यहाँ पे जो है 1716 ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल बूट करेगा। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे FRP जो है सक्सेसफुली यहाँ से रीसेट हो रहा है और हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।